नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रखर प्रवक्ता, सांसद रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में पार्टी की माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रविशंकर प्रसाद जी से कि आपको संबोधित करें। पार्टी की मीडिया सेल के को कन्वेनर मित्रवर संजय जी, प्रवक्ता साजिया जी, पत्रकार मित्रों, पहले क्षमा चाहता हूं, ट्रैफिक में फंसा हुआ था तो मैंने ही कहा कि आप 12 का 12:30 कर दीजिए, इसलिए आपको थोड़ा बैठना पड़ा। मित्रों, हम उम्मीद करते थे कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल फोरम ऑफ द बीजेपी, we would like to say with full sense of responsibility that after being rebuffed by the people of India, the Congress party, its allies and its closest allies, the toolkit gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. Desh mein aarthik arajakta और आर्थिक अस्थिरता। स्वाभाविक है, हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्या वर्ल्ड बैंक, क्या मूडीज, क्या अदर्स, सबों ने भारत की ग्रोथ रेट को बहुत अप्रिशिएट किया है। भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल एफआईआई एफडीआई आए हैं। भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं। इंडिया इज ए सेफ, स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग मार्केट इन द शेयर्स एज वेल। सेबी का काम क्या है? सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले। और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि सेबी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है, निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है, जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। अब मैं एनआरकी के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनआरकी के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है उसकी डेट, आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई, तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है।
अच्छा होता जो राजीव गांधी या कांग्रेस के लोग जेपीसी जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवीन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बकायदे वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने यह अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है, जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है, जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह, और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप, चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी लेड बाय मिस्टर राहुल गांधी एंड हिज फ्रेंड्स टूलकिट गैंग्स, कांग्रेस पार्टी टुडे इज हैज डेवलप्ड हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया इटसेल्फ। अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिंहा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था एफडीआई में एफआईआई में, क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से, उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए? कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ, फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट वो चिट मिल गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ, अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ। मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ,
भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, FII और FDI वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजिशन। ये है इनकी सोच। मैं कांग्रेस के पुराने नेताओं से कहूंगा जिन्होंने भारत को खोलने में काम किया था इकोनॉमी को, कि कब तक आप खामोश रहेंगे, जब चमन उजड़ जाएगा। लेकिन चमन उजड़ेगा नहीं। मुझे बहुत गर्व है कि आज भी भारत का स्टॉक मार्केट स्टेबल है। आज भी, पिछली बार तो जब ये हुआ तो दो दिन में रिकवर कर गया, और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी आई तो और रिकवर कर गया। लगता है भारत के स्टॉक इन्वेस्टर्स हिंडनबर्ग और कांग्रेस के मिलीभगत को समझ गए हैं, इसलिए आज भी कोई गड़बड़ नहीं है। हम भारत के स्मॉल इन्वेस्टर्स को सैल्यूट करना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ इस सुनियोजित षड्यंत्र पर वो विश्वास नहीं किए। सैल्यूट टू देम। दूसरी बात हमको कहनी ये है कि जो पूरी टाइमिंग है, टाइमिंग का मतलब क्या है? सेशन खत्म हुआ, शनिवार को आया, रविवार को हल्ला शुरू हुआ और आज मंडे है, तो 2+2 को 4 किया जाए। और इसके पहले जुलाई में हिंडनबर्ग को सेबी की नोटिस जाती है, आप जवाब दो। तो एक शब्द है, लीगल शब्द है, There is too many suspicious circumstances surrounding this. कई संदेहात्मक परिस्थितियां हैं इसके पीछे। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 22 इंक्वायरी कंप्लीट, एक और कंप्लीट हो गई 23। अपनी पूरी रिपोर्ट बनाने के क्रम में इस इंक्वायरी के बाद जो सेबी ने बताया उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, वो सेबी का विषय है। उन्होंने नोटिस दिया हिंडनबर्ग को जुलाई में, आप जवाब दीजिए, तो फिर यह बम फोड़ने की कोशिश की गई। और यह बम तो फुस निकला, लेकिन उसको लॉक लिया कांग्रेस पार्टी ने, जेपीसी। भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। बीजेपी वॉन्ट्स टू से विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रेजेंट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग इकोनॉमिक एनार्की इन इंडिया बेस्ड अपॉन दीज फिक्टिशियस रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के जो 2-3-4 प्रदेश बचे हैं, मैं उनके मुख्यमंत्रियों को कहूंगा कि आपके यहां विदेशी पूंजी निवेश नहीं हो क्या, नहीं आए क्या? जिस ग्रुप को लेकर के रोज वो माला जपते हैं, उस रूप के काफी पूंजी निवेश तो उन प्रदेशों में भी हो रहे हैं, तो क्या मामला है, क्यों है ये? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस पूरे षड्यंत्र को देश में बेनकाब करेगी, पूरे देश को बताएगी किस प्रकार से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और हिंडनबर्ग ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए फिर रिपीट करूंगा, जुलाई में नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इंक्वायरी कंप्लीट, अब आप जवाब दो, फिर यह आ गए मैदान में। और याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबे हियरिंग में एक बार भी कांग्रेस पार्टी या टूल किट के लोग इन्वॉल्व नहीं हुए, क्या हमें यह कहना है? और याद करिए, एक बार राहुल गांधी ने कहा, मेरा भी फोन कौन सा था संजय, जो पेगासिस, थैंक यू पेगासिस। अब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी चली तो हमें लगा राहुल गांधी कम से कम अपना फोन तो दे देंगे कि उनकी फोन की भी जांच हो जाती, नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, उस फोन में क्या था, क्या निकलता, कैसे निकलता, छोड़ दीजिए। तो आप खाली आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे, और इंक्वायरी आएगी तो उसमें जाएंगे नहीं, ये टोटल है। तो मित्रों,
देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी इकोनॉमी को बनना है तो बनेगा। मनमोहन सिंह की सरकार ने फ्रेजाइल इकोनॉमी छोड़ा था, 11th या 12th पर थे, पांचवी पर ले आए। भारत में पूंजी निवेश होता था, मैं आज आपको बताऊं 2012-13 में मैं न्यूयॉर्क में गया था एक एड्रेस करने के लिए, तो पूंजी निवेशक मुझसे मिलने आए, मैं बीजेपी का उसमें मुख्य प्रवक्ता था, क्या हम लोग भारत से अपनी संपत्ति वापस लगा लें क्या? मुझे कहा कि प्लीज हैव पेशेंस। तो ये करना चाहते हैं ये लोग, तो इसलिए हम। और एक अंत में सवाल पूछना है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना, मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में तो खूब स्कैम हुए थे, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, उसमें पूंजी निवेशक विदेश के थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड। उस समय ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी? मैं फिर रिपोर्ट करूंगा, उस 10 साल के शासन में इतना अधिक घोटाले, घपले, स्कैम हुए जिसमें कई विदेशी इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व थे, उनका पैसा इन्वॉल्व था, उस समय से रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी? यह दिखाता है टूल किट क्या है, कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र क्या है, और भारत को कमजोर करने की मंशा क्या है। इसे हम सफल नहीं होने देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। मैं तो एक दूसरा विषय आपके सामने रखना है, ममता जी आपके राज में बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई, और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? आज मेरे पास सब है कि जो कमिटी बने उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं, वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो रात में आराम करने क्यों गई थी ऊपर में, तो 2 बजे अगर किसी का शिफ्ट खत्म होगा तो जाएंगे नहीं क्या? हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमिटी में, और किसी को पकड़ करके खड़ा किया गया है, वो एनजीओ एक्टिविस्ट है, और एक खबर भी चलाई जा रही है, मैंने पढ़ा अखबार में कि उसने 4 शादियां की, 3 डाइवोर्स हो गया, एक क्या मतलब है? इतने गंभीर, आज देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं, और वहां तो सारी महिला डॉक्टर बाकी लोग सड़कों पर हैं। ममता जी आपकी सरकार में तो विपक्ष को जो होता है हम जानते ही हैं, चुनाव में तो होता है जानते ही हैं, मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं, क्या वहां की डॉक्टर बेटियों के साथ बदसलूकी पर भी ये कहा जाएगा? हा? जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। मैं फिर कहूंगा, बंगाल में जो हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है, जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इंक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं, डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? कम से कम मरे हुए को भी न्याय नहीं देने की कोशिश करोगे? बिल्कुल। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है, और ममता जी आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या करके न्याय दे दीजिए, आप कहिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। वी कंडेम दिस काइंड ऑफ हीनस अटेम्प्ट फॉर कवर अप, दुर्भाग्यपूर्ण है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड मित्रों, ओपन टू क्वेश्चंस। इफ आई मे एड रवि जी, विथ योर काइंड परमिशन, एंड संजय जी, ऑल ऑफ द बीजेपी, India, Indians, and our financial markets have rejected the toolkit gear of Tukde Tukde Gang, which includes the Congress Party, Uncle Soros, Uncle Sam. When I say Uncle Sam, I don't mean America, but you know which uncle I'm talking about, and totally rejects and condemns all the measures that have been taken by this cabal
to stop and prevent the economic progress of our country. You see how the stock market has reacted. You see how strong our financial markets are. And we will not let anybody come in the way of our goal to have a Viksit Bharat. So, let's take questions now. Any question? Guide kariye aap. Okay, sir. Ek-ek karke Devendra Para, sir. देखिए उनका स्टेटमेंट आपने भी पढ़ा है, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं देश के, मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने विस्तार से दिया है कि जिस समय वो प्राइवेट सिटीजन थी उन्होंने किया था, अच्छे इन्वेस्टर्स वो रहे हैं, इस फील्ड में रहे हैं, और मेरे यहां इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पूरा है रिक्यूज करने का, हमने रिक्यूज किया है, डिस्क्लोज किया, तो हमने सारी बातें लिखी हुई हैं, तो फिर उसको अविश्वास क्यों करना है। और अडानी ने भी कहा है पहले भी ये करते थे बाद में भी करते हैं, एक प्रकार से उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा चल रहा है अडानी के खिलाफ, जवाब उन्हें दिया है। हम तो लार्जर पॉलिटिकल इश्यू के लिए यहां पर हैं। यतीन्द्र शर्मा टीवी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरोप धनबर्ग ने सेबी पर लगाए हैं, बीजेपी क्यों जवाब दे रही है, आरोप अडानी पर है, बीजेपी भी जवाब दे रही है। बिना हम मोहब्बत छुप के नहीं खुलकर करते हैं, हमें मोहब्बत देश के स्मॉल इन्वेस्टर से है, हमें मोहब्बत देश के आर्थिक विकास से है, हमें मोहब्बत भारत की आर्थिक स्टेबिलिटी से है जिसको तोड़ने में लगे हुए हैं। आनंद पांडे टीवी 9। ऐसा है, इस्तीफा तो मांगते ही रहते हैं, जेपीसी मांगते ही रहते हैं, कहीं कुछ हो जाए जेपीसी, पहले सच्चाई तो आनी चाहिए। आज वो सच्चाई हमने रखने की कोशिश की है और उनके षडंत का पर्दाफाश किया है। वाई जेपीसी, वाई जेपीसी, दैट मीन्स एनी टॉम डिक एंड हैरी सिटिंग इन फॉरेन कंट्री विल सीक टू डिस्टेबलाइज इंडिया एंड दे विल से जेपीसी, दे विल बिलिटल इंडियाज इन्वेस्टर्स, they will battle in India's stock market, that is their game. JPC's demand is a sham. Okay, main isko hindi mein bol do kya? JPC ki mang ek sham hai. JPC karwai chale, Bharat ki arthvyavastha kamzor pade, Bharat mein poonji nivesh dhast ho, Bharat mein share bazar hile kamzor ho, chote investor pareshan ho, ye unki mansha hai. तो जेपीसी मांगना अपने आप में एक शैम है, इसलिए सच्चाई को जानना जरूरी है। रवि कांत राय टाइम्स नाउ वाला। रवि जी, राहुल गांधी ने सेबी पे अडानी पे तो बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन राहुल गांधी पर बांग्लादेश के एक पत्रकार सलाहुद्दीन ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में जो कुछ भी होने वाला था वो राहुल गांधी को पता था, वो खालिदा जिया के बेटे से लंदन में मुलाकात किए थे, अगर कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है तो मैं सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। अब ये एक नई बात है, मुझे मालूम करना पड़ेगा, मुझे इस पर, यह बहुत गंभीर मामला है और ये भारत की विदेश नीति से भी संबंधित है। मैं राहुल गांधी की तरह गैर जिम्मेवार नहीं हूं कि विदेश में जाकर भारत के विदेश नीति को कमजोर करता हूं, वो भारत के विपक्ष के नेता हैं, उन पर एक आरोप लगा है, इसको देखना पड़ेगा फिर टिप्पणी की जाएगी। शैलेंद्र डीडी। इस आरोप के मेरे पास काफी तथ्यगत सबूत है ना, जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं भारत के लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं कि नहीं, भारत की मीडिया पर प्रहार करते हैं कि नहीं, भारत की जुडिशरी पर प्रहार करते हैं कि नहीं, भारत की संस्थाओं पर प्रहार करते हैं कि नहीं, ये तो कई बार चर्चा हो चुकी है, इस पर कोई नया कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए टूलकिट गैंग का काम क्या है, जस्टिस नहीं मिलता, टूलकिट गैंग का काम क्या है, आप लोग बिके हुए मीडिया के लोग, टूलकिट गैंग का काम क्या है, भारत के सारे इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हैं,
ये उनकी कहानी है रिपब्लिक। ऑब्वियसली विद बाय द वे सिंस व्हेन हैज राहुल गांधी लर्न टू रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस। रिमेंबर ए वेरी फेमस टेलीविजन पोर्ट्रेट व्हेन ही वाज टियरिंग द ऑर्डिनेंस ऑफ हिज ओन गवर्नमेंट। इट इज नॉनसेंस। डज ही केयर फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इवन ऑफ हिज ओन गवर्नमेंट? इफ वी मेंशन इवन हाफ of the belligerence with which he complains against media people, what will happen to us? So we all know it. Sanjay Sharma, antim prashn hai kyunki aap log ko aage bhi kaam hoga. Sir, mera ek sawal Bangladesh par hai. Bangladesh ke kis tarike se hinduon ke saath hamare pradhanmantri ji ne already shubhkamna ke saath hinduon ki suraksha ke bare mein kaha tha. इससे अधिक और गंभीरता से क्या कहा जाए? वहां हिंदू बड़ी संख्या में हैं, अल्पसंख्यक रहते उनके अधिकार हैं, उनके मंदिर हैं, उनके पूजा स्थल हैं, तो हम भी चाहते हैं हिंदू सुरक्षित रहें, तो ये प्रधानमंत्री के लेवल से बताया गया है। लेकिन ये सवाल मैं नहीं कहना, आपने सवाल पूछा है तो एक सवाल संजय जी मैं सवाल एक कर दूं। एकदम वहां हिंदुओं के इस पीड़ा पर हिंदुस्तान में खामोशी क्यों है? जो रोज सवाल पूछते हैं विपक्ष इंडिया गठबंधन उनके नेता राहुल गांधी एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। एक शब्द का मतलब एक शब्द नहीं। मोहित भट्ट